हल्द्वानी के बनफूलपुरा इलाके में 8 फरवरी को हिंसा के बाद इस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन अब डीएम ने यह फैसला लिया है कि मंगलवार से इस पूरे इलाके में कर्फ्यू नहीं रहेगा, यानी कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया गया है। लेकिन इस समय क्या हाल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बनफूलपुरा का इलाका है और सामने पुलिस थाना है और यहीं पर जबरदस्त उपद्रव हुआ था अवैध मस्जिद और मदरसे को गिराने के बाद। और ये अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं अभी भी एहतियातन यहाँ पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि आज ही कर्फ्यू खत्म किया गया है, इसलिए जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो अभी भी इस पूरे के पूरे इलाके में तैनात रहेंगे ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। इस तरफ मैं दिखाऊं कि हमारे जो उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं, यानी जगह जगह जो भी बड़ी चौक हैं वहाँ पर इन सबको तैनात किया गया है, जो गली और नुक्कड़ हैं वहाँ पर इनको सबको तैनात किया गया है ताकि किसी तरीके का तनाव दोबारा पैदा ना हो। अब कर्फ्यू खत्म करने का फैसला लिया गया है, इसलिए दुकानें भी खुल चुकी हैं, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं यानी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं वो भी सब खुल चुके हैं और धीरे धीरे पूरे बनफूलपुरा इलाके में लोगों की जो दिनचर्या है वो लाइफलाइन जो है वो पूरी तरीके से पटरी पर लौटने लगी है।